वाले ना आज ये लड़के ढूंढ के आएंगे, वो भी कौन से वाले, देखो कौन से वाले, दुटियाली हमारे यहाँ पर डोटियाली बोलते हैं, डोटियाली कोई त्याज गिरी यार नेपाल ने। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी का मेरी सेवा चौली सिमन पढ़ना, मेरा नाम चरण रहा, तो स्वागत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के लखोरा घाटी के कमलेश्वर मंदिर से। तो अभी हमारी तैयारी हो चुकी है यहाँ से कुलंटेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पर है आज तीसरा दिन विष्णु पुराण जी का, तो आज वहाँ पर कथा होगी, तो वो भी हम सुनेंगे और आपको दिखाएंगे। और अभी के टाइम पे टाइम हो चुका है 10:30 का, और देखिए कितनी खतरनाक वाली बारिश लगी हुई है, और सामने देखिए तो वहाँ पर खतरनाक बाढ़ आ रही है। तो आजकल कुछ ऐसे सीन है, कहीं पर ही किसी के जो दीवार हैं वो टूट रहे हैं, किसी के घर टूट रहे हैं, किसी के गांव ही बह गए। तो इस टाइम पे हम जा रहे हैं, यहाँ से हम जाएंगे सीधा बजरखोड़ा, बजरखोड़ा से सीधा भुजौड़पुल, और भुजौड़पुल से यहाँ पर जो सामान है उसको दे के आएंगे, जो कि मेरी दीदी रहती है सोगोल में, तो उनको दे के आएंगे और वहाँ से सीधा यहाँ पर कथा सुनने आएंगे। और बाकी चलते हैं, और हमारे साथ 2-3 बंदे और हैं तो उनको भी मिलाते हैं। तो 2-3 दिन के बाद आज बारिश लग चुकी है, और जब से हम वहाँ ट्रैवलिंग पर गए थे उसके बाद आज ही मुझे लग रहा है बारिश आ रही है। और सामने देखिए कुछ ऐसे नज़ारे हैं आ रहे हैं, और ये है दीपक भाई। दीपक भाई हेलो हेलो। तो चलो भाई, दीपक भाई का आज फर्स्ट डे है ना आपका वहाँ पर कथा सुनने का, तो देखते हैं। सुनते तो है नहीं लड़के लोग, बट चले जाते हैं आज क्योंकि सामान देना है, तो उस वजह से जाना पड़ा। आज देखिए भाई, आजकल कुछ ऐसा हो रहा है ना कि डेली बारिश आ रही है, तो उस वजह से जो धरती है उसने अच्छे ढंग से पानी को पी लिया है, सोच लिया है, तो इस वजह से पानी बिल्कुल भी नहीं अटक रहा है। और देखिए अभी के टाइम पे खतरनाक वाली बाढ़ आ रखी है, ये देखिए। तैर दिन तिल तैर दिन पता चलो सीधा चिन्ह डन। तो ये वाली देखिए, आज ये वाली भी बहुत कम आ रखी है, तो अभी के टाइम पे ना बहुत कम बारिश आई थी, मतलब कि तो इस वजह से देखिए ऐसा हो रखा है, अभी थोड़ी बहुत बारिश आ रखी है, बाढ़ आ रखी है। और बाकी ये देखिए, तो कल परसों सोमवार को सब ने यहाँ पर मिलके काम किया था, हम तो वहाँ गए थे, बाकी सब लोगों ने यहाँ पर देखिए क्या मस्त बना दिया है, चारों तरफ देखिए कांटे काट दिए हैं, तो सर से बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि इस साइड को देखेंगे, इस साइड को भी बहुत ख़तरनाक वाली बाढ़ दिख रही है, तो जब तक उन पत्थरों के ऊपर से ना जाए ना बाढ़, तब तक मतलब कि बाढ़ नहीं लगती है। अभी के टाइम पर देखिए हल्की हल्की बाढ़ आ रखी है, ये देखिए भाई। तो ये देखिए जो आसपास के सभी कांटे थे वो सब काट दिए हैं, तो अब इस साइड को डर का माहौल कम बना रहेगा। ये सोच तो मैं भी रहा था कब से कि यहाँ पर के कांटे काटने हो रखे हैं, और डर भी लगता है यहाँ पर सांप वगैरह का, तो अब सब कांटे यहाँ पर कर नीचे को फेंक दिए हैं। अगर इनको हम अभी बाढ़ में ना नीचे को फेंक देंगे तो ये बह जाएंगे। सामने जो आपको दिख रहे हैं दो पिलर, तो यहाँ पर ये जंगली जानवर, मतलब कि जानवरों के लिए जैसे गाय भैंस घोड़े, तो सब नीचे रास्ते आएंगे, और जो आदमी रहेंगे वो इस वाले रास्ते जाएंगे। जय हो भगवान जी, जय हो भगवान जी, जय हो भगवान। तो अभी के टाइम पे हम पहुंच चुके हैं कमलेश्वर मंदिर में, और यहाँ पर आके बाबा जी ने हमको कहा कि थोड़ा भोजन कर लो, क्योंकि वहाँ पर भोजन बचा हुआ था, हमने कर दिया क्योंकि बाबा जी ने कह दिया, तो हमें प्रसादी के रूम में हमने मना भी किया, तो हमने थोड़ा बहुत कहा कि बर्तन वर्तन साफ करके और चल दिया। वही खुला अटक आते कुल्हाड़ से ना कल मेरा खाने, तो यहाँ पर किसी ने कुल्हाड़े रख रखे भाई परसों से, तो यहीं पर ही छोड़ रखे है, तो इसको उधर रखे आते हैं मंदिर में। बाबा जी पार छो गेट पर कल जा रहे गेट पर पता नहीं बोलो पर खैला गो बस सर वक्त थोड़ी ओ वक्त छोड़ जा भी दा जे हो अने अभी आड़ में क्या कर जाने टमाटर हरिया हो मत टमाटर तो छै अरे तो गोपिन दे दे होता किला फिर कहीं आज आओ तो कहां जाओ तो अभी आओ ना और देता सामान देना जरा तब 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 मंदिर में चल जाने ये जाना जियो ये भी जाना जियो सब सेकंड बट टॉसिंग में तो अभी के लास्ट हेलो भाई सुशील भाई क्या हाल है लास्ट और
और सुनील भाई क्या हाल है भाई? लौंड देख बेटा, अमीरी लौंड छुई देखा तुम? कभी कुछ जूता, कभी अलग जूता, भैंस की कभी सफेद जूता, कभी कापट, कभी अमीर अमीर लौंड यार, भैंस की देखो है ना। अरे हम तो भयंकर रोज रोज एक की झुलड़, एक की वो सब एक ही झुलड़ कौ थी पर्स बेटा, लौंड पर्स अलग अलग भाई है ना। सुशील अरे अति तबे चप्पल, अति तबे चप्पल पहने आज यार, हट बस। सुशील सुशील ठंड होगा ठंड। राम राम जी। चाची राम राम जी, राम राम जी। और अभी के टाइम पे देखिए झुंगोरा भी जो हो चुका है, मतलब आपकी कुछ टाइम में पक जाएगा और फिर इसको काटेंगे। और हमारे यहाँ पर धान कुछ इस प्रकार से लगाए जाते हैं, वैसे ही बोए जाते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे और क्या, अभी यहाँ पर पानी की रुपाई नहीं की जाती है, ऐसे बोते हैं। अभी के टाइम पे हम निकल चुके हैं रोड से, बजरखोड़ा से। सामने देखिए बजरखोड़ा का बोर्ड लगा हुआ है और बाकी पैदल पैदल चलेंगे भाई। पैदल पैदल में जो मज़ा है वो गाड़ी में नहीं है, और गाड़ी भी आ चुकी है मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ पैदल पैदल जाएंगे, मजे करते करते चलेंगे हैं टोटो बिल्कुल ना। हाँ के टाइम पे हम गढ़ बगड़ के ठीक थोड़े से आगे आ चुके हैं, और यहाँ से जो रास्ता है ये सीधा कुलांटेश्वर के लिए जाता है, जो यहाँ पर सामने दिख रहा है वो नदी भी सीधा कुलांटेश्वर से आ रही है। तो हमें अभी जाना है बुजाड़ पुल के लिए, तो पैदल पैदल चल रहे हैं, मस्ती करते करते चल रहे हैं। और बारिश भी लगी हुई है हल्की फुल्की, तो कोई कोई छाता उठ के चल रहा है, कोई ऐसे चल रहा है। तो कुछ टाइम पहले यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हो रखा था, बहुत खतरनाक। सामने यहाँ पर दिख रहा है एक कुलांटेश्वर महादेव, और ठीक ऊपर वहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज कुलांटेश्वर। तो अभी ये है बजवाड़ पुल, और सामने देखिए ये सब सोहागोल के गांव के दुकान है, और ये जाती है यहाँ से सीधा सोहागोल के लिए। तो सामान तो दे दिया है, अब यहाँ से आगे के लिए चलेंगे सीधा कहाँ के लिए? कुलांटेश्वर महादेव। कुलांटेश्वर महादेव की जय। तो ये वाली है बजवाड़ पुल की मार्केट, दोनों तरफ फैली हुई है पुल के ठीक इस तरह भी दुकानें हैं, उस तरह भी दुकानें हैं। ये वाली बहुत पुरानी दुकान है, जो कि अभी देखिए यहाँ पर बंजर में परिवर्तित हो चुकी है, और ऊपर से देखिए टूटने भी लग गए हैं। और यहाँ पर भी कुछ दुकानें हैं, और सामने देखिए यहाँ पर वैभव होम स्टे, तो काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं दूर दूर से कालिंका इस साइड के लिए जाते हैं, जो भी वो भी यहाँ पर स्टे करते हैं। तो वैभव होम स्टे। तो सुनील भाई के लिए ना आज ये लड़की ढूंढ के आएंगे, वो भी कौन से वाले? देखो कौन से वाले? डोटियाली। डोटियाली हमारे यहाँ पर डोटियाली बोलते हैं, डोटियाल बोलते हैं उनके लिए, वैसे यहाँ पर उनको नेपाली कहा जाता है। तो नेपाली लड़की ढूंढ के आएंगे आज। सुनील भाई देखिए खुशी के मारे उनके लिए नेपाली ढूंढेंगे भाई, चित हंसी से इनका हंसी नहीं रुक पा रही है भाई। सब ऐसे हो रखे ना भयंकर, सब हंस रहे देखे। दीपू तो भी हंस रहे, दीपू का था देख के ऐसा लग रहा है पता नहीं किसी ने मार बांध के रखा हुआ। कोई त्याज गिर यार नेपाल ने सब छोड़ यार तू नेपाल में नेपाल अभी अभी तक तो बन जाता नेपाल नेपाल जो पार गया चिपार गणों वक्त हाँ। तो ये है सबसे इधर वाली दुकान, और यहाँ से हम नीचे साइड के लिए चलेंगे है ना, कुलांटेश्वर महादेव के लिए। हाँ नमस्कार नमस्कार, आएंगे मंदिर में कत नहीं सुनता मन। अच्छा जो ये वाली रोड जाती है सीधा कहाँ के लिए? डोटियाल मरचूला और बजुरखोड़ा और रामनगर के लिए, और हम जाएंगे यहाँ से सीधा नीचे के लिए कुलांटेश्वर स्कूल के लिए, वहाँ से मंदिर का भी रास्ता वहीं के लिए, जो कि लिखा हुआ है राजकीय इंटर कॉलेज कुलांटेश्वर सियालदे अल्मोड़ा। दूरी है 1.5 किलोमीटर लगभग लगभग है ना। तो यहाँ से कच्ची रोड स्टार्ट हो चुकी है, तो इस वाली रोड पर चलेंगे हम ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिए गाड़ी खड़ी हो रखी है, और सामने देखिए ये हमारा कुलांटेश्वर स्कूल जहाँ पर कि हमने बारी पास करके यहाँ से नीचे के लिए रास्ता है, हम इस वाले रास्ते पर चलेंगे। बहुत जाके बटो ये ज़्यादा आगे आ गया भैया। तो इस साइड को एक काफ़ी छोटा पुल है, उस रास्ते हम अभी गुजर रहे हैं, और यहाँ से एक रास्ता ऊपर के लिए चलता है जो कि कुलांटेश्वर स्कूल के लिए चलता है, और एक रास्ता जाता है जो कि मंदिर के लिए चलता है। तो हम मंदिर वाले रास्ते पर चलेंगे, और सामने देखे ऊपर ये है कुलांटेश्वर स्कूल,
तो आधे लोग ऊपर से आ रहे हैं, आधे लोग हम नीचे से आ रखे, क्योंकि वाला रास्ता शॉर्ट है, तो हम चलेंगे नीचे वाले रास्ते से। ये भाई यहाँ के लिए नीचे के लिए रास्ता, जो कि हमारे कुलांटेश्वर मंदिर के लिए, और ये ऊपर वाला जो गेट है राजकीय इंटर कॉलेज कुलांटेश्वर के लिए, ये वाला गेट है, तो हम इस वाले रास्ते पे चलेंगे। तो यहाँ पर एक पुल है, काफ़ी बड़ा है, जो कि बहुत पुराना हो चुका है, उसकी जो पिलियरें थी सभी टूट चुके हैं, जो पाइप थे वो भी टूट चुके हैं। और नीचे यहाँ पर देखिए खतरनाक वाली नदी बह रही है अभी टाइम पे, इस पर पानी कम हो रखा है। ऊपर साइड को भी देखिए वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हो रखी है, तो यहाँ पर मस्त करके अभी के टाइम पर यहाँ पर देखिए क्या हो रखा है, रेलिंग लगी हुई है, तो सभी को यहाँ पर मतलब सुविधा मिलती है, छोटे छोटे बच्चे इस रास्ते गुजरते हैं। तो अभी के टाइम पर ये जा रहे हैं यहाँ से सीधा नीचे मुँह हाथ धोने के लिए, और मैं ऊपर वाले रास्ते चलता हूँ क्योंकि मुझे नहीं धोना भाई, सुबह से आ रखे हैं, धोखे भी नहीं आ रखे भाई। बैल का दोबारा मुँह हाथ, देखिए अपने पैंट को धो रहे हैं क्योंकि सभी के पैंटों पर लग रखा है कीचड़, और देखिए मस्त मजे से लोने मोड़े आ चुके हैं मुँह हाथ धो के। मैं तो धो के नहीं आ रखा हूँ क्योंकि मेरे सैंडल है इनमें कि छिटके नहीं आते, क्योंकि उनने एक दो ने चप्पल पहन के लेके आ रखे हैं, तो उस पर छिटके निकल जाते हैं। मस्त करके विष्णु पुराण की कथाएँ लग रही है, वाह। तो यहाँ पर ये वाला रास्ता जाता है सीधा कहाँ के लिए, लखारकोट के लिए, और यहाँ पर ये नीचे वाला जाता है कुलांटेश्वर महादेव के लिए, और ये वाला रास्ता जाता है यहाँ से मटकानी इस साइड के लिए, मटकानी तनसाली साइड और गुड़वाल साइड के लिए। पर आके सबसे पहले यहाँ पर चतर उतारेंगे, हैं आगे चलने पहले वार वार उतरो, हाथ पकड़ तो समस्त मन मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी कौन है, शक्ति है, शक्ति भाव हुआ भैया। और फिर इसी में कह रहे हैं कि फिर सुभारुचिस मन मंत्र के उपस्थित होने पर वे मानस देव श्री अजित ही दूषित नामक देवगणों के साथ दूषिता से उत्पन्न हुए, और फिर उत्तम मन मंत्र में हुए दूषित देव ही देव श्रेष्ठ सत्य गण के सहित सत्य रूप से सत्या के उदर से समाप्त कर देना, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश की सत्ता है ना। इसलिए समझ लो, जो गॉड की सत्ता को नहीं समझता तो उसको हम नहीं समझा सकते, फिर कैसे है ना? जो गॉड की सत्ता को, इसलिए समझो, और जो नहीं समझता तो गॉड का उल्टा क्या होता है, वो वही है। फिर हम क्या बोलते, एक बार फिर से बरबंदा बन गया लाल की श्यामा श्याम भगवान की, तो ब्रह्मा है पिता का। अब चार युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ठीक है। 432,000 वर्ष का है कलयुग, कितने वर्ष का है ये कलयुग, 432,000 वर्ष का है कलयुग, और इसमें चरण है कितने, चार चरण। अभी पहला चरण चल रहा है, अभी पहला चरण, अभी तो क्या क्या होगा, कितने साल में कुत्ते का जीवन कितने दिन का होता पता है, कितने वर्ष का जाएगा, 10 वर्ष, ऐसे ही मानव हो जाएगा। इसी 10 साल में उसकी शादी भी होनी, उसके बच्चे भी होने, काम काज भी होना। अब लगा दो तुम कुत्ते जैसी चोनी भी हो जाएगी मानव, अभी तो आप देख के, अभी तो पहला चरण गलाने भवती हाथ अधर्म से तदात्मान सृजा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब अधर्म का बढ़ावा होगा, बोलबाला होगा, धर्म घटता जाएगा। धर्म को बचाने के लिए प्रभु का अवतार होता है सतयुग। ठीक है, सतयुग। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को मिलाकर एक चतुर्युगी बनती है। क्या बनती है? एक चतुर्युग। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ठीक है, अब इतने वर्ष गिनाए मैंने इनके, जैसे कलयुग के गिनाए 4,32,000। तो ऐसे ही धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, समवेता, योग सभा, आम का, पांडव सेवा, क्यों करूंगा तो संजय। लोग कहेंगे कि प्रथम वाक्य किसका है? भगवान का होगा, उपदेश दिया हुआ, लेकिन वहां प्रथम वाक्य भगवान का है ही नहीं। गीता का प्रथम वाक्य धृतराष्ट्र पूछ रहे संजय से, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? मेरे और पांडव के पुत्रों के बीच में भैया बताओ। गीता जैसा महात्म्य भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, और यही गीता नहीं है। गीता कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है, हमारा सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ है गीता, भगवान की वाणी है गीता। इसीलिए तो हम क्या खाते हैं कोर्ट में? कसम खाते हैं, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा अभी। लेकिन कभी आप देखो कितना केस उल्टा बनाया जाता है, बोले वाले आ रहे हैं क्या फंसा देते हैं सब लोगों को, दुनिया चलती है। इसलिए अगर अपने धर्म के बारे में जान, महाराज जी सही है या नहीं है, सही है या नहीं है। और मेरा भी आज समाज से सबसे अनुरोध है कि जो लोग घर बैठे भी जानकारी है उतना ही दो। अभी एक कथा श्रवण कर रहे थे, अभी हमारे कुछ तो कहा मिलती ले लो भैया। सब देवताओं ने
अपने अपने आसन डाल दिए सामने। इसीलिए तो कहते हैं गौ माता के रोमियों में गौ माता के शरीर में कितने 33 करोड़ देवी देवताओं का वास भैया 33 करोड़ देवी देवताओं अंत में दो बच गई कौन कौन गंगा और लक्ष्मी और गंगा भागती आई इसी समय कि प्रभु मेरे लिए भी कोई स्थान कहा देखो तो देखा तो हाउस कहा कोई जगह देखिए तो उसी समय राम देव गाय ने गौ माता ने क्या हृदय ऋषि लेते हैं अब बच गए और एक माता और बच गई स्थान चाहिए अब पत्नी को भैया पति के ऊपर राज चलाते कहा मेरे लिए कौन सा स्थान कहा देवी मैंने देखा तो सब फूल हो गया मूत्र विसर्जन किया मूत्र बचा था उसमें गौ मूत्र में भी कौन सा मांगे गंगा जी चली गई अब तो लक्ष्मी दुष्ट होगी और अगर पत्नी अदुष्ट हो जाए तो नहीं बता पाओगे इसका अर्थ इससे आप तो भाई लोग ही बता पाएंगे कई बार थैंक्स फॉर वृंदावन बिहारी लाल जी इसलिए श्रीमती जी को कभी रुष्ट मत करना क्योंकि वो साक्षात क्या है लक्ष्मी है अब नारायण की समझ में भी नहीं आ रहा भगवान विष्णु समझ नहीं पा रहे कि कौन सी जगह मूत्र बचा था और उसमें भी गंगा जी है तो उसके बाद आप देख रहे रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इम्यूनिटी पावर होती है बहुत ज्यादा इसलिए गाय को बचाना होगा गौ माता की जय बोलते हैं हम तो जय मत बोलो गौ माता की रक्षा हो अगर उसकी रक्षा होगी तो उसमें तो इतने गुण है महाराज कि वो अपने आप में क्या इतने समृद्ध है कि वो सबको जीवा दे इसलिए तो कह रहे हैं जब गाय नहीं होगी तो पार होंगे नहीं I'm gonna make you mine.
भोला दो राधिका संग, कैला तुम्हारे न भोला दो राधिका संग, कैला तुम्हारे न भोला दो राधिका संग, गणपति के लाल आनंद जन संग, गणपति के लाल आनंद जन संग, गणपति के लाल आनंद जन संग,
आपको नमाज़ पढ़ना।